ओम शांति जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड के भाई बहनों की ये दूसरे दिन की ऑनलाइन की भट्टी का दिवस है आज सदगुरुवार दिन भी है तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी हम आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ कैसे करें उसका महत्व क्या है देखो आज की भी बाबा की मुरली में था बच्चे यहाँ आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो आत्मा समझ करके बैठो तब याद की यात्रा होगी क्योंकि ये मूल बात है मुख्य बात है तो उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी तो आप लोग अभ्या, अभ्यास भी शुरू किया होगा उसके बाद शाम के समय का सेशन था हम अपने जीवन शैली को सकारात्मक कैसे बनाएं सदा पॉजिटिव कैसे रहे हर परिस्थिति में ताकि हमारा समय बच जाए संकल्प बच जाए क्योंकि समय का खजाना गय, आ, संकल्प का खजाना व्यर्थ गया तो बाकी सारे खजाने जाएंगे इसलिए व्यर्थों से बचना उसके लिए कई युक्तियां बताई थी और अभी का जो टॉपिक है बहुत सुंदर टॉपिक है सो परिवर्तन का आधार स्वयं को परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए वास्तव में हम आए हैं अपने आप को परिवर्तन करने के लिए और जो अपने आप को बदलता है परिवर्तन करता है वो विश्व अपने आप बदल जाएगा हर एक को अपने आप को बदलना है तो अपने आप को बदलना मतलब क्या करना अपने आप को बदलना मतलब सफेद ड्रेस पहनना बेज पहन लिया ये तो हो गया ऊपर का परिवर्तन तो अपने आप को परिवर्तन करना मतलब अपने हर इंद्रियों को ईश्वर ये नियम के आधार से चलाना अभी भी आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे जब तुम्हारी सभी कर्मिंद्रिया कोई भी गलत काम नहीं करेगी संयमित रहेगी तब तुम्हारी याद की यात्रा पूरी हो जाएगी कोई कर्मिंद्रिया अगर आपको धोखा देती है इसका मतलब पढ़ाई पूरी नहीं हुई हमारे लिए कर्मेंद्र जीत कर्मातीत तो वास्तव में हमारे द्वारा जो भूले होती हैं हमारे जीवन में जो समस्या आती है प्रॉब्लम आते हैं संस्कार गलत गलत बनते हैं उसका मूल कारण है हमारी कर्मेंद्रिय इसीलिए हमें अपने आप को परिवर्तन करना मतलब क्या करना हर कर्मेंद्रिय को श्रीमत प्रमाण चलाना जब हमारी कर्म इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी तब लोगों को लगेगा यह बदल गया इसमें अंदर परिवर्तन आया हमारे संस्कार बने हमारे कर्म के द्वारा हमारे जीवन में समस्या आती है इन कर्म के द्वारा इसीलिए इस कर्म को हमें संयमित चलाना यह है स्वयं का परिवर्तन जब हमारी हर इंद्रिया श्रीमद प्रमाण चलेगी तो लोग कहेंगे ये माता जी बहुत अच्छी है ये भाई बहुत अच्छा है अच्छा है मतलब क्या उसका अपना इंद्रियों पर संयम है और यही हमारी विश्व विजेता बनने का आधार है मुझे विश्व को जीतना है तो मुझे स्वयं को पहले जीतना है जो स्वयं को जीतता है वो विश्व को जीतता है विश्व को जीतने के बाद स्वयं से जो हारता है वो हार जाता है इसीलिए स्वयं को जीतना अर्थात अपने इंद्रियों को संयमित रखना यह है स्वयं के परिवर्तन का मूल आधार जिसको ही बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी चैरिटी बिग एंड होम आप अपने घर को सुधारो तो घर मतलब लौकी घर नहीं घर अर्थात ये शरीर आत्मा का पहला घर है इस घर को बदलना इस घर के अंदर के सभी ज्ञानी बन जाए चरित्र की शुरुआत हमें घर से करनी है जब हमारी सभी इंद्रिया ज्ञानी बन जाए श्रीमद प्रमाण चले तब परिवर्तन आएगा तब हम अपने ऊपर विजय प्राप्त किया समझेंगे बाकी हम कितनी भी सेवा कर रहे कितना भी कुछ कर रहे लेकिन इंद्रिया अगर धोखा देते हैं ये हम पराजय हैं हमारी पराजय हैं जैसे पानी के ऊपर से नौका चलेगी पार कराएगी लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है श्री स्वराज्य अधिकारी बनना ये बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया जिसे बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया बाबा रोज अपने कर्म इंद्रिय का दरबार लगाते थे लेकिन आज हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे आज ये पुरुषार्थ हम कर रहे हैं हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना जो हमारी मम्मा ने किया जो बाबा ने किया दादियों ने किया हमें वही पुरुषार्थ करना ही उसी से हम विजय बनेंगे तो स्वराज्य अधिकारी स्थिति ये पड़ा है विश्व का राजा बनने के लिए विश्व का राजा वही बन सकता है जो स्वयं की कर्मिंद्रे पर राज्य करता है अनुशासन अनु मतलब आत्मा शासन मतलब राज्य आत्मा का शासन जब बॉडी पर होता है तब हमारे में परिवर्तन आता है जब हमारे इंद्रियों पर संयम है जब कर्म इंद्रिय पर हमारा संयम है तब हमारी इर्द गिर्द में गुण और शक्तियाँ रहेगी सहन शक्ति जिसका इंद्रिय पर संयम नहीं है वो कर्म उसको गुण और शक्तियां मदद नहीं करेगी उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण आसुरी शक्तियाँ होगी स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करना है आदतों को परिवर्तन करना है उसीलिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए नहीं तो कहते हैं ना अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेचर भाजी टकेशर काजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जो चे हो रहा है कही कहते सत्यु कब आएगा अब कितना साल बाकी है कृष्ण कब आएगा सतयुग पहले अपने में स्थापन करना है हर एक को अपने खुद में सतयुग स्थापन करना है सतयुग का गायन क्या है एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल एक मत क्या एक आत्मा का शासन हमारे बॉडी पर है आत्मा चाहती कुछ है कर्म इंद्रिय कुछ गलत कर लेते हैं एक धारणा है एक मत सभी इंद्रियों का एक मत है दुनिया पर शासन वही कर सकता है जो शरीर पर दुनिया पर शासन करता है ये बाह्य जगत का शाम्पल है शरीर जगत शरीर पे दुनिया जैसे ये दुनिया में सत्तर परसेंट पानी है शरीर में भी सत्तर परसेंट पानी होता है दुनिया में साढ़े सात सौ करोड़ आठ सौ करोड़ लोग रहते हैं इस शरीर में भी साढ़े आठ सौ करोड़ नौ सौ करोड़ जीवाणु रहते हैं दुनिया तीन लोग है शरीर में भी तीन लोग हैं दुनिया पांच तत्वों की बनी है शरीर भी पांच तत्वों का बना हुआ है तो अपने पर शासन करने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी हाँ, जीवन की सारी समस्या की जड़ें आई कर्म की चंचलता इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा तब पूरी होगी जब तुम्हारी कोई कर्मंद्रिया धोखा नहीं देगी तब देवता जैसे बन जाएंगे देवता बनना ही इंद्रियों पर शासन करना है यह है सो परिवर्तन का आधार हमें यह नहीं देखना वो क्या कर रहा है वो क्या करता है वो क्या करता है उससे परिवर्तन नहीं आएगा जैसे पहले जमाने के राजा एक किले में रहते थे किले के चारों तरफ से दरवाजे होते हैं कोई भी आता उस दरवाजे में चेकिंग होते कहां जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं तो शरीर भी हमारा किला है फोर्ट है इसके कई दरवाजे कान मुंह मुह लेकिन इसमें कौन आ रहा है क्या आ रही कोई लेना देना नहीं कुछ भी बातें आ रहे हैं और आत्मा राजा परेशान है अगर हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें कोई प्रॉब्लम आएंगे नहीं जैसे भारत में अंग्रेज आए थे कैसे आए थे भारत में नवाबों का शासन था बंगाल का नवाब बिहार का नवाब सूरत का नवाब अंग्रेज आए और आकर के क्या क्या नवाबों के साथ दोस्ती की करते 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 दिल्ली के ऊपर अटैक किया भारत गुलाम हुआ इसी तरह ये शरीर भी हमारे एक इंडिया है और इसकी राजधानी ब्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है और इस शरीरूपी इंडिया में कई नवाब है कान मुंह आँग तो मायारूपी काम क्रोध ये मायारूपी अंग्रेज आता है और इन कर्मिंद्री के साथ नवाबों के साथ दोस्ती करता है कान के साथ दोस्ती की मुख के साथ दोस्ती की मन के साथ दोस्ती की आंखों के साथ दोस्ती की और धीरे धीरे आत्मा के ऊपर अटैक हुआ और इसीलिए अब हमारी हमारा ये जो शरीरूपी देश है ये गुलाम है किसके विकारों के गुलाम है और यही हमारे दुखों का यही हमारे समस्या का कारण है अब हमें इस गुलामी से स्वतंत्र बनाना है इस रूपी देश से विकार रूपी माया को भगाना है तो क्या करना है जिसे भारत से अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए क्या युक्तियां बनाई जगह जगह पर सभा लगाई एक पंजाब में जालियन वाला बाग में कुछ सभा लगाई थी और अंग्रेज लोगों ने क्या किया था वो और ही गोलियां झाड़ी थी बहुत बड़ा कांड हुआ था वो अखबार निकाले नारे बनाए नमक का सत्याग्रह किया इसी तरह जनता को जागृत किया और तब जाकर के जनता ने भी आवाज उठाना शुरू किया अंग्रेजों गो बैग साइमन गो बैग वो चले गए और तब भारत क्या हो गया स्वतंत्र बना इसी तरह शरीर पे देश में विकार रूपी अंग्रेज घुसे उनको भगाना है तो हमें हर इंद्रियों को जागृत करना पड़ेगा हे आंखे जो तुम गलत चीजें देख रहे तुम्हें तो अच्छा लगता है लेकिन मेरा घाटा हो रहा है तुम इंटरनेट की गलत चीजें क्यों देखती हो तुम ये चीजें देखने से मैं अशांत हो जाता हूं इसीलिए प्लीज तुम ये चीजें मत देखो कान से बात करो हे कान तुम जो परिचितन की बातें सुनते हो इसे मेरा घाटा हो रहा है तुम क्यों सुनते हो इस सभी इंद्रियों से बातें करना और हर इंद्रिया समझ जाए कि ये हम राजा को धोखा दे रहे हैं और सभी मिलकर के इन बुराई का त्याग करेंगे तब जाकर के हम विकार से स्वतंत्र बन जाएंगे इस युद्ध में विजय बनेंगे युद्ध में केवल आत्मा पुरुषार्थ कर रहे हैं इंद्रिया उसको सहयोग नहीं दे रहे हैं। चाहे कितना भी साल आप पुरुषार्थ करें माया जीत नहीं बन सकते स्वयं का परिवर्तन नहीं हो सकता अगर स्वयं का परिवर्तन करना है हर इंद्रिया कहेगी माया गोब्यक अब होता है क्या है आत्मा कहता है माया गोब्यक कान कहता का और क्या हुआ हर इंद्रियों को अंदर लगना चाहिए कि मुझे माया जिद बनना है अगर इंद्रियों में विकारों का अंश है चंचलता है गलतियां होगी इसीलिए आत्मा को इंद्रियों ने गुलाम कर दिया राजा के ऊपर प्रजा का राज्य है यही ये, यही दुखों का कारण है यही समस्या का कारण है इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जितना ज्यादा समय तक हम जब से ज्ञान में जितना हम स्वराज्य ज्यादा समय करेंगे उतना ही भविष्य का राजा बनेंगे लंबा समय तक का राजा बनेंगे यहां बहुत काल का राजा वहां बहुत काल का विश्व राजा का रा... ही मिलेगी तो सभी तो राजा बनेंगे ना जमशेदपुर वाले तो राजा बनने के लिए ये करना है ऐसे नहीं कि राजा माउंट आबू में रहने वाले राजा बनने वाले हैं जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे आ, ऐसे भी नहीं जो समर्पित है वो राजा बनेंगे जो बहुत समय से ज्ञान में चलते राजा बनने का फार्मूला है स्वराज्य अधिकारी स्थिति इसीलिए बाबा ने कहा अभी माला नहीं बनी चाहे कोई मधुबन में रहता हो चाहे कोई सेंटर पर रहता हो चाहे कोई गृहस्थी में माता ही रहती हो बाबा देखेगा जब से ये ज्ञान में चले इन्होंने अपने पर शासन कितना किया ये है राजा बनने का फार्मूला और ये है स्वयं के परिवर्तन का आधार में स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है हर एक को राजा बनने का चांस है राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं लेकिन अपने इंद्रियों पर शासन करना है स्वराज्य अधिकारी बनना है स्वयं का परिवर्तन करना है हर इंद्रियों को बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाना है नौका पानी के ऊपर चलेगी पार कराती है नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देता है इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है हमारी गलतियों का मूल कारण है कर्म इंद्रिया अगर घर का ही कोई भेदी बना हुआ है घर की हालत क्या होगी देश का ही कोई भेदी बना है देश की हालत क्या होगी स्वराज्य अधिकारी बनना कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले घोड़ों को प्यार करता है तप तपाता है क्यों अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो पराजय हो जाएगी इसी तरह हमें भी क्या करना है इन अपने शरीर कर्मेंद्र रूपी घोड़ों से प्यार करना है उनसे बातें करनी है जब नहाते धोते हैं तो क्या करो कान से बात करो कान से प्यार करो हे मेरे कान तुम आज कोई ऐसी बातें नहीं सुनना जो मेरा घाटा हो जाए मेरा सिर झुक जाए हे मेरे आंखें तुम कोई ऐसी गलत चीजें नहीं देखना जो मेरा सिर झुक जाए हे मेरे मुँह जब ये हमारे सहयोगी बन जाएंगे तब जाकर के परिवर्तन आएगा हमारे गलतियों का मूल कारण है इन कर्म इंद्री की चंचलता जैसे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे जब उसके पार्टी के सारे लोग अच्छा काम करते अगर एक गलत करता है तो उनकी उनको प्रॉब्लम आ जाता है इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी जब उसकी हर इंद्रिया एक्यूरेट अपनी ड्यूटी करती है कान ने गलत सुन लिया आत्मा की नींद फिट गई मुख ने गलत बोल दिया आत्मा की नींद फिट गई इसलिए हर एक को अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करनी है मन मानी नहीं और वो ऐसे भविष्य का राजा बन उसके जीवन में सुख शांति वो निर्विघन है समझो कोई बड़ा अधिकारी है उस अधिकारी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा वो पत्र कहां जाएगा पहले उसके पीए के पास जाएगा पीए देखा गया फालतू तो आदमी करके फाड़ के फेंक देगा मतलब पीए उसका हितेशी है तो उसी तरह आज हमें कोई गाली दी अपमान किया वो शब्द कहां जाते कान के पास हमारा पीए है कान तो कान क्या करता है ऐसी निगेटिव बातें बराबर आत्मा तक पहुंचाता है देखो हम, हम हमारा इन्होंने अपमान किया गाली दी अपमान किया गाली दी जब ये आवाज करता है अंदर सब में हलचल पैदा होती है मुख में हलचल पैदा होती है मन में हलचल पैदा होती है बुद्धि में हलचल पैदा होती है इसका मतलब कान मेरा हितेश नहीं है सवेरे के चार पेज की मुरली सुनी उसको बार बार नहीं सुना था आज बाबा ने ऐसे बोला है आज बाबा ने कहा सहन करो बाबा ने कहा कोई बात नहीं तुम्हारा हिसाब किताब है इसीलिए कान को हितेशी बनाना आजकल के मम्मी पापा इतने बिजी है बच्चा कहाँ जा रहा है किसके संग में जा रहा है क्या देखता है उनको कोई टाइम ही नहीं पूछने का जब बच्चा गलत काम करता उनकी है उनकी आंखें खुल जाता है ऐसा कैसा हो गया इसी तरह आज हम अपने आप में इतनी व्यस्त हो गए सेवाओं में घरों घर बार के कारोबार में मेरी आंखें क्या देख रहे हैं मेरे मुख क्या बोल रहे आंख कान क्या सुन रहे हैं मन क्या सोच रहे हैं उनको पूछने का टाइम ही नहीं है अपने आप से बात करने का आज का इंसान लंदन बात करता है लेकिन पड़ोसी को नहीं यही पता नहीं पड़ोसी के साथ कभी बात नहीं करता इसीलिए आजकल कर लॉकडाउन का समय चल रहा है लॉकडाउन में क्या बोलते हैं घर में रहो परिवार के साथ रहो तो इसी तरह हमें भी संगम युग में क्या करना अपने शरीर में रह करके इंद्रियों के साथ बातें करनी है और इंद्रियों को अपने सहयोगी बनाना है जब यह हमारा किला मजबूत होगा ये सभी इंद्रियों में अंदर से मायाजित बनने का जज्बा होगा तब परिवर्तन आएगा नहीं तो अंधा पीस रहा है कुत्ता बैठ करके खा रहे है। हम पुरुषार्थ करें अमृत वाला उठ रहे योग लगा रहे सेवाई कर रहे और सारा दिन कर्म इंद्र क्या कर रहे हैं देख करके वेरथ बोल करके वेरथ सुन करके वेरथ सोच करके सारा कमाए हुआ गवा रहे जमा कुछ भी नहीं है इसलिए सारा दिन भी हमें क्या करना है कर्म इंद्र से जमा ही करना है वेस्ट नहीं करना है इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूर भविष्य के राजा कौन बनेगा दासी कौन बनेगी साहूकार कौन बनेगा सिस्टम है कोई ज्ञान में चलता है ना धन से सेवा करता है ना किसी को ज्ञान सुनाता है ना उसका इंद्रिय पर संयम है इंद्रियों के अधीन होकर के चलता है ऐसी आत्मा का भविष्य क्या है दास दासी दास दासी वो बनते जो उदास रहते दास दासी वो बनते जो किसी का श्रृंगार नहीं करते अच्छा कोई ज्ञान भी चलता है धन से सेवा कर रहा है ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे है लेकिन इंद्रियों पर संयम नहीं है इंद्रियों के अधीन है ऐशा आत्मा क्या बनेंगे साहूकार बनेगी सावकार क्यों बनी क्योंकि धन से सेवा की ज्ञान भी दूसरों को सुनाया अनेक गुना होकर के मिला साहूकार बना कोई ज्ञान में चलता है धन से सेवा नहीं करता ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता लेकिन इंद्रियों पर संयम है वो राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा बनेगा कंगाल शब्द नहीं होगा माना उसके बाद धन संपत्ति की कमी होगी है राजा लेकिन धन संपत्ति नहीं और कोई ज्ञान में चलता है धन से सेवा कर रहा है ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं इंद्रियों पर भी शासन कर रहे हैं वह है संपन्ना राजा तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रहे हैं दासी वाली ट्रैक में चल रही है साहूकार वाली ट्रैक में चल रहे हैं? कंगाल राज्य के ट्रैक में चल रहे हैं या संपर्णा राजा अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं अभी भी थोड़े दिन कुछ दिन मिलेंगे आज तक के पुरुषार्थ अनुसार चेक करो मैं क्या बनने वाला हूं मुकड़ा देख ले प्राणी ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है अभी भी अपने आपको देख सकते आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं राजा बनने वाला हूं दासी बनने वाला हूं साहूकार बनने वाला क्या बनने वाला हूं ये बाबा की जो मुरलियां चलती है राजा वाले क्वालिटी के लिए चलती है लेकिन ये मुरलियों को सुन करके केवल तक रखता है करता नहीं है वो ऑटोमेटिकली राजा कैसे बने कितना बाबा कहते बच्चे मंदिरों में जाओ इसको सुनाओ ये करो हम सुन तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं करते इसलिए परिवर्तन का आधार इंद्रियों का सहयोग स्वराज्य अधिकारी बनना आज हमारे अंदर काम विकार के संस्कार आए क्रोध आया ये जो भी गलत संस्कार बने आ, कहां से बने इन इंद्रियों के माध्यम से तो आया है माया हमारे घर के अगर घर ही कमजोर है इसीलिए बाबा कहते हैं रोज इनकी चेकिंग करना रोज इनका चार्ट रखना चार पांच दिन पहले भी बाबा ने कहा कि बच्चे रोज अपना पोता मेल चेक करो कौन सी कर्म मुझे धोखा देती है किसी को देखते रह रहे बस उसे बात करते रहे उसे सौगात दे, दे खाने की आवाज़ सुनने की आवाज़ यह सब इंद्रिय का धोखा है इसलिए स्वयं को परिवर्तन करना इस इंद्रिय की लगाम को अपने बुद्धि बुद्धि में पकड़ करना बुद्धि से ये करना कंट्रोल में रखना एक इंद्रिय घोड़े हैं इनकी लगाम क्योंकि ये घोड़े जहाँ भी इच्छा हो आंखों को जो देखने की इच्छा है वहाँ सब रत को लेके जाते हैं जो सुनने की इच्छा है वो रत वहाँ चला जाता है इसलिए क्या सुनना है क्या देखना है उसके संयम नियम हैं तो हम इंद्रियों से बातें कैसे करें कैसे हमें अपना दरबार लगाए रोज अमृत करने के बाद अमृत चार से पांच जब करते हैं उसके बाद दस पाँच मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करना सबसे पहले बात करो सबसे पहले शरीर में आए सभी कर्म इंद्र को गुड मॉर्निंग किया क्योंकि शरीर मेरा एक देश है एक मेरा ऑफिस है तो सबसे गुड मॉर्निंग करना और उसके बाद एक एक से बातें करना सबसे पहले बात करो कान से हे कान तुम मेरे इस राज्य के शान हो अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता इसीलिए हे कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आजकल तो मुझे धोखा दे रहे मुझे पता नहीं था आज अमृतविला परम हितेश मेरे दोस्त के पास क्योंकि शिव बाबा मेरा दोस्त बन कर के आए हैं और मेरी गई भी राजाई फिर से दोबारा देने की कोशिश कर रहे हैं वो रोज मुझे ट्रेनिंग दे रहा है लेकिन उन्होंने मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे हैं और वो तो ऐसे वैसे इशारा नहीं देंगे वो कल्याणकारी हैं तो इसलिए हे कान तुम मेरा राजा ही में रहते हो मेरा खाते हो मैंने तो तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है कान कहा है बॉर्डर पर है बॉर्डर पर विश्वास वाले लोगों को रखा जाता है तो मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, तो मेरा खाते हो क्योंकि आत्मा ने कमाई हुआ खून सप्लाई होता है कान में कान थोड़ा डिस्टेंस से दूर होगा तो कान जिंदा थोड़ी रहता ही राजा का और राजा को धोखा दे रहे इसीलिए कान आज तक जो हुआ कोई बात नहीं लेकिन आगे से तुम्हें कोई भी गलत बातें नहीं सुननी अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा और यह भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता तुम क्या क्या सुनते हो मैंने शरीर पी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है आजकल है ना ऑफिस में घर में सीसी सी लगाते हैं कौन आया क्या हुआ सब पता चलता है इसीलिए हे कान तुम्हें आज से कोई भी गलत चीजें नहीं सुननी रात को सोने के पहले दस बजे फिर मैं दरबार लगाऊंगा उसमें तुम्हारा चार्ट चेक करूंगा अगर तुमने गलत सुना है तुमने मैं तुमको सजा दूंगा आगे चलो मुख के पास हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावक के दूसरों को कैसे सुनाता तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआई मिल रहे लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो अपमान वाले शब्द बोलते हो जिससे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूट दूर हो जाता है रूट जाता है क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा है आगे से तुम ध्यान रखना आगे चलो आंखों के पास ये आंखें मुझे चौरसी जन्म में बहुत सारे आंखें मिले लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिले क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है माउंट आबू में बाबा को देख के गए कई भाई बहने देखा है ना तो हे आंके तुमने उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है तुम ये संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो अगर देखेगी मैं तुमको सजा दूंगा आगे चलो पांव के पास हे पाओ तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता भले मुख ने भाषण दिया लेकिन आदि दुआ तुमको मिलती है भले कान ने ईश्वरी मावक के सुने लेकिन आदि दुआ तुमको मिले। हाथ ने कर्मना सेवा की आदि दुआ तुमको मिलते पांव को क्यों पांव घुटने से ऊपर पूरा कर्मेंद्र को उठाकर लेके चलता है सबको लेके आने वाला कौन है पाऊ इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता उसके चरण छूते चरण में आत्मा नहीं है लेकिन क्यों छुआ क्योंकि पाओ ने वहां लेके आया इसलिए पाओ तुम्हारा धन्यवाद लेकिन कभी कभी पाओ फिल्म देखने के लिए लेके जाते चिंतन करने के लिए लेके जाते चिंतन किया मुख ने आधा विकर्म पाओ का भी चढ़ गया अगर पांव वहां नहीं जाता कहता नहीं नहीं मैं राजा के लिए ऐसा धोखा नहीं दे सकता हूं मुझे मैं राजा के लिए हितेश आत्मा के लिए इसीलिए मुक तुमको परचिंतन करना है तुम भले चले जाओ हर इंद्रिया मिली हुई आपस में और इसीलिए आत्मा एक तरफ इंद्रिया एक तरफ कैसा परिवर्तन आएगा ये दोनों का तालमेल चाहिए इसीलिए कभी इनसे जागृत करना जैसे भारत की जनता को जागृत किया जनता ने भी शामिल हुई इस युद्ध में तब जाकर के विजय बने इसी तरह हमें भी विजय बनने के लिए केवल आत्मा योग लगा रहे पुरुषार्थ कर रहे लेकिन अगर इंद्रियों में ये नहीं आए तब हम विजय नहीं बनेंगे इसलिए हर इंद्रियों में भी चाहिए मुझे राजा को रिगार्ड देना आज कई माताएं कहती कहते हैं मुझे कोई पूछता ही नहीं है मेरे बच्चे मेरे मानते ही नहीं है मेरे बच्चे मेरा क्यों नहीं मानते जिसकी इंद्रिया नहीं मानती उसका कोई कहना नहीं मानेगा प्रकृति भी नहीं मानेंगी इसीलिए भविष्य में मेरा सब कारोबार ठीक चले इसलिए मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी आगे चलो मन के पास हे मेरे मन तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी चिंतन कैसा करता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ का चिंतन भी करते हो क्या इसीलिए मैंने तुमको रखा अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा आगे चलो बुद्धि के पास है बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया बुद्धि कौन है मंत्री वो भी साधारण नहीं केंद्रीय मंत्री है और केंद्रीय मंत्री के पास सारा कारोबार रहता है तो तुमको तो मैंने मंत्री बनाया और पूरा कारोबार तुम्हारे हाथ में दिया और मैं तो निश्चिंत था कि तुम तो मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलाएगी लेकिन तुमने ऐसे कोई गलत निर्णय किया जो मेरी पूरी राजा ही गवा दी क्योंकि मन में आता है कि मुझे इधर जाना है फिल्म देखने के लिए जाना है मन में आया तो वो मन की फाइल कहां जाते है बुद्धि के पास तो बुद्धि क्या करते हैं उसको निर्णय करते हैं क्या जाना है या नहीं जाना है अगर वहां जाओ करके निर्णय किया सभी इंद्रिया वहां चली गई तो आज तक के जो भी विकर्म हुए उसका कारण साइन किसकी है बुद्धि रूपी मंत्री की इसीलिए अपने विवेक को जागृत करो हे बुद्धि तुम ये जो गलत निर्णय करते हो इसे मेरा घाटा होता है इसीलिए अब संगमयुक्त चल रहा है तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है मन मत परमत पर प्रमाण नहीं लेना है इसीलिए हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी तब परिवर्तन आएगा तो परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति तो क्या इतना हमारा यह है ध्यान है है पुरुषार्थ अपने आप से बातें करना हम कभी कर्म से बातें ही नहीं करते जैसे मुझे याद है हमारी दादी प्रकाशमणि जब थी जब कहीं बाहर जाती थी यहां जो निवासी है सबको बुलाती थी सबको बुला करके कहते देखो मैं जा रहा हूं आप लोग जिम्मेवार है सब अपना काम ध्यान से करना अटेंशन देना ये है महान आत्माओं के विशेष विशेषता इसी तरह रोज नहीं तो अगर समझो कोई व्यक्ति है अब काम तो सब बहुत कर रहे लेकिन कभी पूछे ही नहीं तो संगठन में एकता नहीं आएगी फिर इसी तरह हमें आत्मा का फर्ज है आज इंद्रिया में दिन रात हमारी में सहयोगी बने तो उनको हमें पूछना उनसे बात करना तब कर्म इंद्रिया सहयोगी बने और जब कर्म इंद्रियों में एकता आएगी तब मायाजीत बन सकते हैं इसीलिए काम क्रोध विकार आते कर्म इंद्रिय के द्वारा इसलिए हमें रोज इनका दरबार लगाना है और जो ही इंद्रिया हमारी नहीं सुनती उनको सजा, सजा देनी है शिक्षा देनी है तो कैसे ये सवेरे का दरबार हुआ फिर रात को सोने से पहले क्या करूं एक एक कर्म इंद्री को चेक करूं सबसे पहले बात करूं कान से हे कान तुम्हारा सारा दिन का चाट कैसा रहा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सवेरे सात बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी लेकिन एक बारह एक बजे को एक माता जी आई थी किसी की वीरत बातें सुना रही थी तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था और क्या हुआ और क्या तुमको सवेरे वो बातें सुनने के लिए मना किया था तो भी तुमने सुना तुम्हारे लिए सजा कौन सी दोबारा मुरली सुनना है तुमको सजा मन कान को काट करके फेंकने वाली सजा नहीं अलौकिक सजा दोबारा मुरली सुनो क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर है ऐसी बातें सुनेगा ही नहीं आगे चलो मुख के पास मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा समझो कान ने दरवाजा खोला तो कम से कम तुमने तो चुप रहना चाहिए था तुमने भी बोला हाँ वो सचमुच वो ऐसी करते है। उसने ऐसा किया इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा मौन है मुख की सजा इसको कहते हैं राजा अपने पर शासन अनुशासन मतलब आत्मा शासन जो अनुशासन करता है वही दूसरे पर शासन कर सकता है अपने पर शासन नहीं इंद्रियों पर शासन नहीं दूसरे तो कहेंगे हाँ जी जी जरूर करेंगे पीछे मुड़ के गए कहेंगे हमको पता आप कैसे जाओ अनुशासन ये है पुरुषार्थ और ये ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया रोज बाबा अपने बाबा की एक डायरी मिली थी और उस डायरी में बाबा ने ये सब बातें इसी लिखते थे हे मेरे मन वो मन तो वजीर बादशाह ऐसे ऐसी बाबा ने बातें करते थे तो हमें भी क्या करना है यही पुरुषार्थ करना है इसी, इसी पुरुषार्थ से बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया तो इसलिए अगर हमें देवता बनना है यह पुरुषार्थ इससे हमारे में परिवर्तन आएगा संस्कारों में परिवर्तन आएगा व्यवहार में परिवर्तन आएगा सुखी है राजा है सुखी प्रजा तब जब शासन प्रमाण रहेंगे और जो संगम में जिसका यह स्वराज्य निर्विघन है उसका ही भविष्य का राज्य भी निर्विघन चलेगा लेकिन उसके लिए कुछ धारणा अगर हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है भविष्य के राजा बनना है स्वयं में परिवर्तन करना है परिवर्तन करने का आधार है जैसे राजा होते राजाओं की विशेष जो राजा है होते हैं उनकी कुछ विशेषता होती है राजा कौन बन सकता है उसकी विशेषता है तो इसी तरह परिवर्तन का आधार है कुछ तो सबसे पहली बात आई अगर हमें अपने में परिवर्तन करना है राजा बनना है उसके लिए हमारे देने के संस्कार चाहिए जो देता है वो राजा है वो देवता है इसलिए पिछले संडे के बाबा के मुरली में बाबा ने कहा ना इससे भी पहले पिछले संडे वाला बाबा ने कहा कि बच्चे निरंतर सेवादारी बनो निरंतर योगी बनो सेवाओं का लंगर लगा दो तुम अपने आप को इतना बिजी करो देने में बिजी रहो जो अपने संस्कार अपने आप बदल जाएंगे कुछ ना कुछ दो देते रहो अपने में टाइम वेस्ट नहीं करो लेकिन देने में लग रहो शक्ति दो शांति दो गुण दान दो कुछ ना कुछ दो वो राजा बन सकता है इसलिए हमें हर प्रकार की सेवा करनी जैसे हम बनना चाहते वैसे सेवा करने एक बहु थी वो बहुत दान पुण्य करते लेकिन जब उसकी शादी हुई शादी से पहले दान पुण्य करते लेकिन जब शादी हुई दान पुण्य नहीं करते उसकी उसकी शादी एक शेठ जी के घर में होती वो थे शेठ जी लेकिन थे कंजूस कभी भी दान पुण्य नहीं करते तो एक दिन शेठ जी पति सास वो बहू सारे अपने बहुत बड़ा महल था उसके बाहर बैठे थे इतने में एक संन्यास आया और भिक्षा मांगी मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए तो बहू क्या कहते मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती हूँ तुमको कहाँ से दो तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया ये क्या बोल रहे हैं हमारा नाम खराब करें दोबारा वो कहते हैं मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए वो सन्यासी कहता है तो बहू कहते हैं सुना नहीं तुमने मैं खुद बातची खाती हूँ और बुखी सोती हूँ तुमको कहाँ से दो वो चले गए सन्यासी वहाँ चला गया सास उठी और उस बहू को दो थप्पड़ लगा दी कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया तुमको कब मैंने बासी खुलाया और भूखा सुलाया? वो धीरे से दोबारा कहते मैं रोज बासी खाती हूं कहते आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है यह तो मेरे पिछले अच्छे कर्मों का फल है इसीलिए मैंने कहा मैं बासी खाती हूं पिछले जन्मों का खाती हूँ और भूखी होती हूँ मतलब अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ भी पुण्य दान पुण्य करने नहीं देते इसीलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ तो उसको लगा हाँ बात तो सही है तो ठीक है कहते तुमको जो दान पुण्य करना ही है जो घोड़े के लिए चेने पीछे उसको दिया करो उसको लगता है कल तो आ गई लेकिन उसके बहू के एक दिन मन में आता है मैं अगर चेने दान करूंगी मुझे अगले जन्म के लिए चने चेने, -चेने मिलेंगे अब चने खा के मैं क्या करूँ तब उसकी सास कहते अच्छा जो चाहे दे दो इसी तरह कहीं हम बासी खाकर के भूखा तो नहीं सो रहे आज हमें इतनी तरावटी ज्ञान मिल रहे हैं पालना मिल रहे हैं कहाँ एक ज्ञान के बूंद के लिए पैसे थे लेकिन आज सागर मिलाए इतना अता ज्ञान मिलाए किस जन्मों का फल है एक की जन्म में जो दर दर भटके थे व्रत किया था उपवास किया था उसका ये फल है तो कौन सा खा रहे बात सी खा रहे लेकिन आज हम मैं बीके बन गया ज्ञान में चल रहा हूं अगर मैंने कुछ सेवाई नहीं की अगले जन्म के लिए भूखे सो रहे इसलिए अब मुझे बीके बनने के बाद भी करना है और जो करेंगे वही भरपूर मिलेगा भक्ति का फल मिला ज्ञान लेकिन इस ज्ञान में चल करके हमें अगर मुझे चौराई जन्म में धन भरपूर चाहिए तो धन से सेवा करनी अगर मुझे तन तंदुरुस्त चाहिए तो यज्ञ में सेवा करनी यज्ञ की सेवा बाबा का संदेश औरों तक पहुंचाना जितना इस यज्ञ में हड्डी हड्डी लगाएंगे तन तंदुरुस्त मिलेगा अगर कोई व्हीकल आपके पास सेवा में लगाएंगे व्हीकल भरपूर मिलेंगे अगर आपके पास मकान है वहाँ खाली है उस शहर आसपास में गीता बाशाह नहीं भले गीता बादशाह के लिए जगा दो तो भी तो जो चीज़ सेवा में लगाएंगे वही मिलेगी जब द्रौपदी की कृष्ण की उंगली कट गई द्रौपदी ने क्या किया अपनी साड़ी को फाड़ दी और फटाफट बांध दिया कृष्ण की उंगली को वो नहीं देखा कि मारी साड़ी नहीं है दूसरा कपड़ा पुराना ढूंढ लेते हैं नहीं मदद की और जब द्रौपदी का चिरारण किया हुआ उसी समय एक एक धागे के बदले कितनी लंबी साड़ियां दी सहयोग से सहयोग मिलता है तो परमात्मा अब यज्ञ स्थापना किए हैं परमात्मा दुनिया को परिवर्तन करें जो वर्तमान समय परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनता है वही उसको मिलता है इसलिए हमें हर प्रकार की सेवा करनी है अभी तो भाग्य ले हम परमात्मा स्वीकार करें आगे चल करके स्वीकार नहीं होगा इसलिए हमें जो देता है उसी से भरपूर बनेंगे देवता बनेंगे दूसरी बात है, है अगर हमें परिवर्तन करना है अपने आप को संस्कारों में परिवर्तन करना है राजा बनना है उसके लिए प्रजा भी बनानी है बाबा क्यों कहते बच्चे ट्रेन में जाते समय समझाओ औरों को सुनाओ ज्ञान सुनाओ लेकिन हम सुन तो लेते हैं लेकिन फिर किसी को सुनाते नहीं क्योंकि जितना सुनाने में बिजी रहेंगे उतनी खुशी मिलेगी आज देखो हम लोग ऑनलाइन से भी खास फोन करके बहन जी को बताया कि भैंजी आपने तो बुलाया था याद दिलाया और ये प्रोग्राम बने क्यों देने से बढ़ता है ज्ञान एक ऐसा धन ही देने से बढ़ता है घटता नहीं है जितना देंगे बढ़ेगा मुझे याद है जब मैं कल मेरी कहानी बताई थी जब मैं ज्ञान ज्ञान में आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं दो शब्द में ही सुना नहीं सकता था लेकिन जो बाबा ने हमको सुनाया जो मुरलियों में सुना उसको क्या कर रहे औरों को दे, देते रहे देते 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 अब इतना बढ़ गया पहले दो शब्द नहीं सुना सकते थे लेकिन आज मैं अभी केरला में एक बार गए थे तो एक बार भट्टी रखी थी तो तो ये कहां से आया? देने से बढ़ता है इसीलिए बाबा का तो जो देता है चाहे किसी को सम्मान देता है किसी को रिगार्ड देता है किसी को ज्ञान देता है जो देता है वो देवता बनता है मुझे वो दे तब मैं दूं लेकिन देने के संस्कार जो है वो देते रहो कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है नहीं सुनते इसका मतलब आपके पास जो ज्ञान का तीर है उसके अंदर धार नहीं है योग से धार लगाओ तो जो सुनाएंगे वो सुनेंगे लोग सेवाओं का शोक चाहिए मनसा से दो वाचा से दो नहीं तो रोज़ पड़ोसनी घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो देवी बाजू में बैठे कभी एक शब्द में नहीं सुनाया समझो जमशेदपुर से खड़गपुर जा रहे ट्रेन में या बस में बाजू में कोई बैठा एक शब्द में नहीं सुनाया कंजूस राजा वो कंजूस है इसलिए सुनाना है कितना खजाना आपके पास अगर कोई व्यक्ति गटर में गिर रहा है और जिसको आंखें उसको रहम नहीं आएगी अरे भाई जी भाई जी उधर नहीं उधर नहीं पकड़ करके रोड पर छोड़ेंगे इसी तरह आज परमात्मा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है राइट क्या है रॉन्ग क्या है सब नॉलेज दिया है तो हमें भी अंधो की लाठी बनना है रैम करना है इसलिए इसमें बिजी रहना है दुआएं मिलती है इसलिए देने के संस्कार चाहिए तब हमारे में परिवर्तन बाबा ने कहा औरों को देने में मस्त रहो बिजी रहो तो आपकी समस्या अपने आप अप खत्म हो जाएगी इसलिए अगर अच्छा कोई नहीं सुनता कोई बात नहीं तो आप क्या करो उस, उस व्यक्ति को जैसे पहले जमाने के जो राजा थे राजाओं की निशानी होती है राजा क्या करते शिकार करते और राजा शिकार किसकी करता है शेर की ऐसा नहीं कि चुहा बिल्ली को मार के लेके आता है इसी तरह हमें अगर भविष्य के राजा बनना है तो हमें भी शिकार करनी है तो किया शिकार माताओं ने या शेर मारने के लिए डर लगता है शेर अर्थात अज्ञानी आत्म को ज्ञानी बनाना या शिकार करना कम से कम महीने में एक शिकार तो जरूर करनी है हमें तो बड़ा शौक रहता है भारत के कोने कोने में सभी स्टेट में जाकर के चाहे स्कूलों में जेल में कई बाहर से प्रोग्राम करके शिकार करने पंद्रह दिन में महीने में जाते रहे अभी वो जाना बंद हो गया लॉकडाउन में तो भी आप इंटरनेट से माध्यम से जाकर के शिकार कर लेते शिकार का शौक चाहिए सेवाओं का शौक और जो सेवाओं का शौक रखता है अपने आप क्या होता है व्यर्थों से बच जाते हैं इसलिए अच्छा नहीं सुनता तो बाबा ने जो जाली कर रखी है सेंटर क्या है जाली कम से कम वहां बहनों के हवाले तो करो बहने देने का काम कर देंगी वो शेर को तो मार देंगी लेकिन आपने वहां तक पहुंचा इसलिए आदि वो आपको मिल गए इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनता है तो कितनी जगह जगह पर सभा लगाते हैं और आप तो कितना जन्मों का राजा बनने वाले इक्कीस जन्मों का तो इतना शौक है इसलिए जितना लोगों तक सुनाएंगे जिसको बीके बनाएंगे उतना आपकी प्रजा बन जाएगी अगर हमने राजा ही नहीं बनाए तो प्रजा ही नहीं बनाए तो राज्य किसके ऊपर करेंगे लेकिन याद रखना शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है और जमशेदपुर में तो बहुत सारे शेर हैं बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है मैंने देखा था मैं एक बार गया था खड़गपुर तो मैं अचानक देखा ये बाहर कौन सा शहर है मैंने देखा इतना चारों तरफ फैला हुआ है मैं पड़ोसी को पूछा भाई कौन सा शहर है तो भला ये जमशेदपुर टाटा नगर बोलते हमने कहा मैं कभी आऊँगा यहाँ ज़रूर एक बार तो उस समय का संकल्प किया ना स्थल में तो नहीं आए लेकिन अभी इंटरनेट के माध्यम से आए तो बहुत बड़ा जंगल है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं तो ज़रूर सब तक संदेश पहुँचाओ मनसा से रोज दो देवी बन करके कल बता ना विजन देवी बन करके जाओ सबको विजन से वाइब्रेशन दो, मंसा से दो मनसा से दो इसमें भी बिजी रहना है तो मही हमें महीने में एक को जरूर बीके बनाना है तो कितने सारे लोग हो जाएंगे हर एक को माताओं को सबको सबको करना है सेवा और जो सेवा करेगा वही राजा बनेगा लेकिन बता ना शेर की शिकार सावधानी से की जाती नहीं तो कोई कोई नशा चढ़ते जाकर ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे कहेंगे अरे भाई आजकल सृष्टि पर परमात्मा है हम ज्ञान में चलते आप भी चलो ना अ, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते अच्छा वो कहेगा अच्छा आप भी फंस गए क्या अरे वहाँ बाहर का भोजन नहीं खाते पवित्रता की पालना करते ये कोई लाइफ होते क्या फैशन नहीं करते बस उसकी बातें सुन करके खुद ही आना बंद कर दिया गया था शिकार करने के लिए और शेर ने फाड़ के रख दिया इसीलिए पहले खुद पक्के बनो अनुभवी बनो इसीलिए शिकार करने के लिए ढाल लेके जाते हैं तलवार लेके जाते हैं सब लेके जाते साधन अगर शेर हल्ला भी करता है वो साधनों के द्वारा बच के आते हैं इसी तरह आप भी क्या करो ड्रामा की ढाल ज्ञान की तलवार सब लेके जाओ अगर कोई नहीं सुनता हाँ, तो क्या करो ढाल को सामने लगाओ मेरे कुल का नहीं कुल का नहीं कुल का नहीं करके भाग आओ स्वयं को तो बचाओ सेवा करने के लिए अनुभवी चाहिए हथियार भी चाहिए इसलिए शिकार जरूर करनी है परिवर्तन का आधार है राजा बनने का आधार है फलों का राजा कौन है आजकल फलों का राजा आम को कहते हैं आम को क्यों बोलते हैं वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए लेकिन नारियल फलों का राजा नहीं बना वैसे तो उद्घाटन करते हैं या कोई मंदिर में भगवान को प्रसन्न करना है नारियल को चढ़ाते लेकिन नारियल फलों का राजा नहीं बना फलों का राजा कौन बना आम क्यों क्योंकि आम के साथ सबका प्यार होता है क्या निशानी अभी चल रहा है ना आम का सीजन तो आम के सीजन में क्या करते आम को लेकर के मुंह में चूसते रहते हैं गुटली को वो मुंह को मुंह में डालेंगे निकालेंगे डालेंगे निकालेंगे डालेंगे निकालेंगे ये प्यार कर रहे उसे आम से ये प्यार है खत्म भी हो तो भी डालने का फेंकने का नहीं चूसते रहेंगे प्यार करते रहेंगे अब जो, जो सूखा नारियल है उसको लेकर प्यार करो चूसो उसको वो भूसा अंदर जाएगा वो दा, बत्तीस दाट भी टूटेंगे मिलेगा कुछ भी नहीं इसी तरह राजा बनने के लिए प्यारे बनो सबके प्यारे बनो कई कई तो ऐसे बीके होते हैं जो सामने जाते हैं। लोग क्या करते हैं रास्ता काट के निकल जाते हैं कहीं मुझे चक्कर में, में ना डाले देखना भी पसंद नहीं करती क्यों अभी तक मेरे संस्कारों में व्यवहार में परिवर्तन नहीं है मेरे कर्म इंद्र पर संयम नहीं है इसीलिए मेरे व्यवहार से लोग असंतुष्ट है। तो हैं कई तो कहते नहीं 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 मैं गुप्त हूँ ना मेरे को कोई पहचानते नहीं ना सूरज के ऊपर बादल कितना भी आए तो भी उसका ढक नहीं सकते आईना कभी झूठ नहीं बोलता अगर सामने वाला व्यक्ति मेरी बुराई करता है मुझे पसंद नहीं करता मेरे अंदर जरूर कुछ कमी है इसीलिए अपने में परिवर्तन करना है आज मूर्ति को देख करके लोग देखते रहते हैं और यह तो चैतनी देवी सत्यु की देवी ऐसी देवी को देख करके लोग क्यों घबराते आज मंदिर में कोई जाता है चप्पल बाहर उतार करके बड़ा श्रद्धा से जाता है और देवी का दर्शन करता है वास्तव में हमारी एक भावनाएं की देवी है वास्तव में असली देवी तो हम चैतन्य अभी है जिस घर में हम रहते हैं वहां कोई शराब नहीं पी सकता कोई गलत काम नहीं कर सकता अगर करता है मेरे वाइब्रेशन अभी तक नहीं बने मेरा अपना सर पर संयम नहीं जितना अपने आप को संयमित रखेंगे उतना एक बार मैं दिल्ली पांडवन में रहता था तो एक दिन गुलजार दादी मेरे पास आई किचन में सेवा करता था तो दादी ने कहा भगवान भाई आपकी स्थिति ठीक है मैं ला, हाँ दादी बहुत अच्छा है नहीं नहीं कुछ गड़बड़ी मैंने नहीं दादी रोज मेरा अमृत वाला होता है यू मुरली सुनता हो सब कुछ नहीं कुछ गड़बड़ी है वाला वो दो भाई आपस में थोड़ा सा खिटपिट कर रहे थे मैं ला, हाँ दादी कुछ आपस में पता नहीं क्या हुआ कुछ खिटपिट किया उन्होंने तुम बनाते भोजन वो भोजन खाते हैं इसीलिए वो बिगड़ गए कितनी बड़ी जिम्मेवारी इसी तरह आज हमारी स्थिति अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा इसलिए बाबा कहते हैं हमारी अपनी स्थिति को अच्छा बना परिवर्तन करना जरूरत है इसलिए अपनी करमिंद्री को संयमित फलों का राजा आम है नारियल नहीं क्यों बना क्योंकि ऊपर से वो नरम है आम नरम है और अंदर से सखत है और नारियल कैसा होता है ऊपर से सखत होता है और अंदर से नरम होता है जो ऊपर से नरम है नम्रचित है वो राजा है और जो ऊपर से है मैं जैसा कहता ऐसा करो ये करो वो करो खुद कुछ नहीं कहता दूसरे को ऑर्डर करेगा वो राजा नहीं बन सकता पहले करनी बाद में कथनी आचार्य बनो पंडित नहीं बनो आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला आज आचार्यों की जरूरत है उसमें बल है ताकत है पहले खुद करना फिर बाद में कहना उसका असर की शिक्षा से भी आचरण की शिक्षा का प्रभाव ज्यादा पड़ता है तो सभी बाबा के टीचर बच्चे हैं तो सबको आचरण में ला करके सुनाना है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है इसीलिए आम बनो नारियल मत बनो और फलो का राजा आम को क्यों बोला एक तो सब प्यार करते हैं इसीलिए दूसरा बताया ऊपर से नरम है इसीलिए तीसरा बताया तीसरा है अगर कोई व्यक्ति थक जाता है धूप में परेशान हो जाता है तो कहाँ आकर सोता है आम के पेड़ के नीचे आकर सोता है उसकी थकान मिट जाएगी रिफ्रेश हो जाएगा अगर कोई नारियल के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो और ये नारियल टूट करके सिर टूट देगा या वो उसका जो पत्ते वो अचानक हवा से गिर जाते हैं काटे भी होते उसको और छाए भी नहीं मिलेगी उसको इसी तरह कोई दुनिया से तंग होकर के परेशान होकर के आपके संपर्क में आया और आपने कोई उसको ऐसी ज्ञान की बात सुनाई अपने व्यवहार से ऐसी कोई बात बताई जो उसकी थकान मिट गई रोते हुए आया था खुश हो गया परेशान होकर के आया था खुश होके गया वो है राजा और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं दुनिया से तंग होकर के आया था आपके पास में लेकिन कोई यहां की उल्टी सुल्टी बात सुना करके दिमाग खराब करके भेजा टाइम वेस्ट करके भेजा वो राजा नहीं बन सकता वो महान नहीं बन सकता महान बनने के लिए दूसरों को सहयोग दो और वो कौन कर सकता है जिसकी इंद्रिया अपने वश में जिसने स्वयं को परिवर्तन किया है इसीलिए आम बनो नारियल मत बनो नारियल जो रियल ने उसको छोड़ो इसीलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल को तोड़ते हैं वैसे तो आत्मा का आकार भी नारियल की तरह है गोल शेप में है आत्मा के अंदर जैसे नारियल के अंदर क्या होता है खोबरा होता है पानी होता है कहते हैं उसका खोबरा खाओ पानी पियो तो कई बीमारी ठीक हो जाती है इसी तरह आत्मा के अंदर भी ओरिजिनल शांत स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप संस्कार है लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है ऊपर विकार का कवच है आत्मा का कलर भी नारियल के तरह केसरी होता है तो इस आत्मा के ऊपर के कवच को तोड़ना तपस्या ज्ञान योग की छानी रतुड़ी से और अंदर के ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालना इसको कहते हैं नारियल तोड़ा नारियल को केवल रखते नहीं उसको तोड़ते हैं उसका पानी डालते हैं इसी तरह हम भी केवल अपने नारियल को शिव जी के सामने रखा हुआ है हम आत्मा उनके शरण में आए हैं लेकिन केवल शरण मानी से नहीं चलेगा उसको तोड़ना संस्कारों को परिवर्तन करना ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालना इसीलिए इस 2020 में अपना नारियल तोड़ो ये परिवर्तन इसलिए ज्ञान योग्य और क्षन्य रि से तब शिवजी प्रसन्न हो जाएगा आज सदगुरुवार दिन है ना तो अपना नारियल को तोड़ना आज दृढ़ संकल्प करो और रोज अपने कर्म इंद्री की चेकिंग करो तो इसलिए अगर हमें परिवर्तन करना है आम बनना है नारियल नहीं बनना रोज क्या करना है शिकार करनी है देने के संस्कार धारण करो तब स्वयं का परिवर्तन होगा औरों को देते रहेंगे बीजी रहेंगे खाली मन शैतान का घर औरों को देते रहेंगे बीजी रहेंगे सेवा में क्योंकि अब अपने आप में संस्कारों में परिवर्तन करने में और बातों में टाइम नहीं करो औरों को देने में बीजी रहो कितना महान है हम संसार की ये सृष्टि चक्र की सृष्टि के जड़ें हैं पूर्वज हैं छोटी छोटी बातों में अब परेशान नहीं होना जो खुद रोएगा रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना देने के संस्कार चाहिए और अनुशासन करना इसके लिए कई से रोज हमें अपने कर्मेंद्र पर शासन करना है दरबार लगाना है रोज रोज पोता में कौन सी कर्मिंद्री आपको धोखा देते हैं रोज उनसे बातें करो उनसे प्यार करो अखंड भारत यह अखंड हमारे में जब यह हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा जब हमारे इंद्र में प्रॉब्लम तो विश्व में में प्रॉब्लम आता है यह है स्वयं को बदलना और जब हम अपने आप को बदलेंगे ये दुनिया बदली हुई नजर आएगी और तब ये बाबा कहते हैं ना याद की यात्रा पूरी हो जाएगी दुनिया नहीं आएगी कब जब कोई कर्मिंद्र मुझे धोखा ना दे कर्मिंद्रे को शीतल बनाना ये है योगी ये है पुरुषार्थ ठीक है बाकी तो बहुत सारी बातें हैं तो आप लोग जरूर ये स्वराज्य आदि के ऊपर ध्यान रखेंगे और जितना नहीं तो कईयों को दिल से कहता रहे हम तो क्या राजा बनेंगे हमने तो राजा बनने का ही आधार है ज्य अधिकारी ठीक है तो गुरुवार का ये गरम गरम हलवा वो सस्तूल हलवा तो खा लेंगे लेकिन ये भी बहुत अच्छा है सदगुरुवार का दिन का गरम गरम हलवा तो स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब हमारे में परिवर्तन आएगा ठीक है इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद तो फिर शाम का भी आज लास्ट का सेशन और भी बहुत सारे क्लासेस हैं फिर बाद में जब वहाँ आएंगे, तो वहाँ फिर और करेंगे तो ला शाम का बहुत अच्छा महत्व का विषय है शाम का भी हमें यथार्थ योग कैसे करना है योग की विधि धारणाएं उसके बारे में चर्चा करेंगे ठीक है शाम को भी आप सभी अटेंड करेंगे ओम शांति ये टाइम पर हवा इसीलिए मैं योग का तो नहीं करेंगे ओम शांति दो मिनट फिर भी साइलेंस में रखकर के पूरा कर शांति कल भी बहुत अच्छा मैंने कमेंट्स के बाद में देखे बहुत भाई बहनों ने बहुत दिल से प्यार से सब कमेंट्स भी किए हैं और बाकी किसी के कुछ क्वेश्चन में हो गए तो वैसे तो जवाब देने का तो टाइम तो नहीं मिलेगा फिर भी कुछ क्वेश्चंस शाम के समय आज दिन भर में आप कमेंट्स में भेज देना तो हो सकता है शाम को सेशन के बाद तो कुछ क्वेश्चन का भी मुझे लगता है ये सारी बातें सुनने के बाद आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे नहीं सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इसमें मिल रहे हैं फिर भी किसी का कुछ होगा तो भी पूछ सकते हैं ठीक है ओम शांति ओम शांति हाँ जी हाँ जी ठीक है ये मतलब एकदम सूक्ष्म चेकिंग वाला सब अच्छा आज का भी टॉपिक अच्छा था हाँ जी हाँ मूल अच्छा अच्छा ठीक है हाँ जी शाम का भी योग का है वो भी अच्छा रहेगा बढ़िया क्योंकि कई कई योग के क्वेश्चन कई कहीं ये होता है ना परिवर्तन क्यों नहीं होता ये तो आज का भी बहुत गहरी टॉपिक थी असली परिवर्तन का ये तो ठीक है ओके शांति देख रहा हूँ कॉमेंट्स में क्या क्या लिखा है हमने <laughs> अच्छा। तो कहा गांव वाले तो तो, क्या कॉमेंट बहुत अच्छा अच्छा कॉमेंट एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए बोलते ना बोलेंगे तो धड़ाधड़ कर देंगे हमने कहा बोलना अच्छा नहीं फिर सेव हो जाएगा हम्म hmm? सेव हो जाएगा हम्म hmm. देखो आपने वो दोनों बंद के ना पूरे रिकॉर्ड हो गए